दिलशाद मुझे पकड़ने के लिए बहुत जगहों पे छापे मार रही है, वो किसी भी वक्त मेरे घर पहुंच सकती है, समझो मेरी बात। अरे अम्मी जान, भाई पे भरोसा क्यों नहीं है, लेकिन जो हरकतें कर रहा है वो खुद ही मशकूक बनता फिर रहा है। उससे पूछो काम क्या करता, कभी कोई जवाब नहीं देता। क्यों निकाला है उसका बैग? ये चेक करें भाई जान, इसलिए निकाला है अम्मी जान उसका बैग। ठीक है, काम ही पकड़ा गया, आया उसी के पास थी। अमीजान फिक्र ना करें आप, हो सकता है उसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकले। मुझे अफसोस उसके पकड़े जाने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत करने में नाकाम रही, उन्हें अच्छे बुरे का सबक सिखा ही नहीं सकी, वरना शायद मेरे बेटे से इतनी बड़ी गलती ना होती। हमें जान, गलती खाली आपकी नहीं है, गलती हम सबकी थी। हम सारी उम्र घर में पड़े रहे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे, और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी कामी के कंधों पर आन पड़ी। सही कह रहे हैं भाई जान, इस सब में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन अमी जान फिक्र ना करें, हमें एहसास होगी अपनी जिम्मेदारी का। इस घर को चलाना, इसकी जिम्मेदारी उठाना अब हम पे है। और आपको मालूम है ये एहसास दिलाने वाला हमें कौन? भाभी। जी हाँ, भाभी ने दुकान खुलवाने के लिए अपने जेवर तक दे दिए मुझे, सच कह रहा हूं, ताकि हम इस घर की जिम्मेदारी उठा सके। देखिए मीजा, जो होना था वो तो हो चुका, अब तो अपना दिल अपनी बहू की तरफ से साफ कर लीजिए। जिंदगी तो चलती रहती है, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं और चीजों को बेहतर बनाते हैं। कहां थे तुम? कितनी देर हो गई है, परेशान हो रहे थे हम, कुछ एहसास है तुम्हें? मैं हया के साथ था। आप लोग घबराइए मत, मैंने अपना फैसला नहीं बदला। हालात एक आखिरी बार मुझे उसके पास ले गए थे, पर करूंगा वही मैं जो आप दोनों चाहते हैं। क्या तुम वाकई वही करोगे जो हम चाह रहे हैं? जी, चाहे जो भी हमारी ख्वाहिश हो। ठीक है। ओके, जस्ट लाइक अ गुड बॉय, जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। आपको नहीं लगता कि हमें इसको बता देना चाहिए था? नहीं, अभी नहीं, वक्त आने पे बता देंगे। मैं क्या समझती रही उस लड़के को, और वो क्या निकला? मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी है उसका बख्त ने। मुझे हया कितना समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, काश इस हकीकत को मैं पहले ही समझ गई होती। मुझे तो अपनी सास इश्फाक और मुश्ताक के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। उनका तो सगा था ना कामी, पता नहीं उन बेचारों पे क्या बीत रही होगी। हालांकि उनका इन सब मामले में कोई कसूर भी नहीं था। वाकई घर का एक फर्द भी बुरा निकला है तो पूरे घर पर कयामत टूट पड़ती है। शेरवानो मुझे माफ कर दो, मैंने जो कदम उठाया ना, हो सकता है उससे हमारे वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो गए होंगे। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आप हमेशा हम सबका भला सोचती रही और मैं हमेशा आप ही को गलत समझती रही। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब वक्त आ गया है कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे शौहर चाहकर भी अब हमें साथ ना दे पाए। अम्मी जान, मेरा यकीन मानो, मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब जान गई हूं मैं, सारे सबूत मैंने अपनी आंखों से देखे।
अम्मी जान मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। गलती तुझसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, तेरी तरबियत में कमी रह गई। अब तू इस जेल में रह के अपनी सजा भुगतेगा और मैं बाहर रह के तेरी जुदाई की सजा भुगतूंगी। अम्मी जान आप भाभी से बात करें, वो चाहे तो मुझे बचा सकती है। मैं आपकी कसम खाता हूँ, मुझे एहसास हो चुका है मैंने बहुत बड़ी गलती की, आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से बचा दे, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं नहीं करूंगा। ये वादा तू उस वक्त करना जब जेल से तुझे रहाई मिले, कैद में किए हुए वादे की कोई हैसियत नहीं होती। बहुत बड़ा धोखा दिया है तूने, बहुत दुख दिया है मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जी तो चाहता है कि तुझे फौरन इस कैद से निकले, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अच्छा है, आखिरत की सजा से बेहतर है कि तू दुनिया में ही सजा भुगत ले। मैं तेरे लिए सिर्फ दुआई कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम दोनों? जी अम्मी जान। बैठो नाश्ता देती हूँ तुम्हें। क्या आप अम्मी जान आप नाश्ता बनाएंगे? हाँ भाई, मैंने सोचा है आज के बाद घर के सारे काम करूंगी, तुम लोगों का काम है सिर्फ कमाना और घर को चलाना। अम्मी जान आपको तो काम करने की आदत नहीं, पर आप कैसे करेंगी ये सब? तुम लोगों को आदत नहीं थी ना बाहर निकलने की, तो जब तुम लोगों ने अपनी आदत बदल ली है तुम भी अपनी आदत बदल सकती। बिल्कुल बेशक अम्मी जान, बजा फरमा रही हैं आप। ओ मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपनी बीवियों को लें ताकि वो इस कामकाज में आपकी मदद कर सकें। हाँ सोच तो मैं भी रही थी, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया है, इतने ताने उनको दिए हैं, तो मैं किस मुंह से उनसे आंख मिलाऊंगी? अरे अम्मी जान, गलती इंसान से ही है, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, ये बड़ी बात है। और गलतियाँ मुझसे और भाईजान से भी तो हुई है ना। हम कौन सा खता के पुतले नहीं अम्मी जान, बस आप हमारे साथ चलिए और हमारी बीवियों को लेकर आइए ताकि कुछ अच्छा चलो तुम लोग बैठो मैं नाश्ता दे। चले अम्मी जान। भैया इस तरह भूखा रहने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, चलो आके खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। भैया खाना ठंडा हो रहा है, चलो आओ आओ, चलो शुरू करते हैं साथ में। एक मिनट मैं देख के आती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कदम उठाया है आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, लेकिन मुझे माफ कर दें। अरे तुम काहे को माफी मांग रही हो? देखो ये गलती कामी की है, कामी ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे मिल गई और मिलनी चाहिए भी थी, ये सारा किया धरा उसी का है। माफी तो मुझे तुम लोगों से मांगनी चाहिए, मैंने बहुत ज्यादती की तुम लोगों के साथ, लेकिन अब मैं तुम दोनों को वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ। अम्मी जान आप कितनी अच्छी हैं। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चलो उठो सामान बांधो अपना और चलो घर। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं अम्मा, हम क्यों नहीं जा सकते अपने घर? अरे भाई मैंने बकरे का पुलाव बनाया है, सब मिलकर यही खाएंगे। है पक गया है? हाँ। अरे तो फिर जल्दी से खिलाओ। अरे अभी लगाती हूँ, फिकर ना करो। चलो ठीक है, पुलाव खा के ही जाएंगे। फायजा नहीं जाएगी हमारे साथ? नहीं, वो घर पे नहीं है। कहाँ गई वो? भाई शादी में थोड़े दिन रह गए हैं तो उसका यहाँ रहना ठीक नहीं लगता, इसलिए हमने उसे कहीं भेज दिया है। मगर मॉम कहाँ? उसकी फिक्र हम पे छोड़ दो, तुम चलो गाड़ी पर। चलो चलो देर हो रही है, आ जाओ। चले। ये आपके लिए। जी मेहरबानी। रानी सियानी दीवानी है तीनों ही नवाबजादियां।
यहाँ से स्ट्रेट चलकर राइट को टर्न कर जाना और सेटेलाइट टाउन के पीछे वाले इलाके में जाना है। पर बाबा हम जा किधर हैं और क्यों जा रहे हैं? बेटे काम से जाना है कुछ। बताया था ना, हमारी शादी के कार्ड देने हैं कुछ लोगों को। इस रास्ते पे तो कोई हमारा जानने वाला नहीं रहता। भाई हमारा नहीं, तुम्हारा। मेरा? जी। मेरा कौन रहता है यहाँ पे? क्यों, हया नहीं रहती? भाई तुम्हारी अच्छी दोस्त है, कुलीग रह चुकी है, तो शादी पर इनवाइट नहीं करोगे? बाबा क्या कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत है? आप क्यों एम्बैरस कर रहे हैं? प्लीज मत करें। बेटे शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर अपनों को और करीबी लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो एक कार्ड उसके भी दे देते हैं। जी बेहतर। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। अब क्या करने आए हैं लोग? हमारे समूह पे नमक छिड़कने आए हैं यहाँ पे? वैसे इन्हें यहाँ आज आना नहीं चाहिए था। जो हालात हैं उसमें बनता नहीं इनका यहाँ आना भी। तमाम जानने वालों को कार्ड पहुँचा दिए गए। आपका कार्ड रहता था तो हमने सोचा कि खुद आकर दे जाए। मेरी दुआ है भाई साहब कि अल्लाह इस शादी से आपका घर खुशियों से भर दे। आमीन आमीन। कार्ड हया को भी दिखा दे। कहाँ है हया? वो अंदर है, आ रही है। अच्छा। अभी तो ये कार्ड हारिस ने भी नहीं देखा है। दिखा दे हारिस को कार्ड। ये आपके लिए है। जी मेहरबानी। कार्ड तो आपने बहुत अच्छा छुपाया है। देखो वाकई में बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही अच्छा है। ये लो हारिस, तुम भी देखो, बहुत पसंद आएगा तुम्हें। देख लो देख लो। कार्ड खोल के देख तो लो हारिस। अरे कार्ड तो खोलो ना, देखो तो सही, तुम तो देख ही नहीं रहे हो। आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं बताइए। कार्ड खोल के देख लो, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी जनाब, हमने अपना फैसला बदल लिया। अब दांत निकालते रहोगे? जाओ जाके हया को भी बताओ, रो रही होगी अंदर। हाँ हाँ जाओ हारिस, उठो। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आ गए? पता है किसी ने देख लिया तो कितना मसला हो जाएगा। प्लीज जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कोई आ जाए। जाओ। रिलैक्स आया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारी तरफ आए थे कार्ड देने के लिए। सब बाहर आए, कार्ड देखा, उन्होंने पसंद किया। एक तुम ही हो जो कि बाहर नहीं आए। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हें दिखा दूं। मुझे नहीं देखना। इसका मतलब है कि तुम मेरी शादी पे नहीं आओगी? हाँ नहीं आऊंगी।
हया तो फिर मेरी शादी कैसे होगी? क्या मतलब है हारिस? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, डेट फिक्स हो गई है, तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो? मेरे ना आने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया फर्क पड़ता है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ठीक है अगर तुम नहीं आओगी तो फिर मैं शादी से इनकार कर देता हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हो हारिस? मैं फजूल बातें नहीं कर रहा, ठीक ही तो कह रहा हूँ। मैं जाके भाई सबको बता देता हूँ कि तुम शादी से इनकार कर रही हो। क्या क्या बकवास है ये? हया मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं जाके बता देता हूँ कि तुम कह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। हारिस ये किस किस्म का मजाक है? हाँ क्या मजाक है ये? मजाक नहीं, तुम खुद देख लो। देखो व्हाट डू यू मीन? हारिस हया हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। मैंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी मगर देखो किस्मत ने हमें मिला दिया।